नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन करने के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हम वोल्टेज रेगुलेशन के इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स यानी नो लोड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज को डिटरमाइन करते हैं। तो बच्चों, जैसे वोल्टेज रेगुलेशन चेंज इन वोल्टेज और राइज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड का कंडीशन है या फुल लोड टू नो लोड का कंडीशन है, मैथमेटिकली हम वोल्टेज रेगुलेशन को ई नोट माइनस वी अपॉन वी बोलते हैं। यहाँ मेरे पास दो प्रकार के मेथड्स हैं जिसको हम यूज करेंगे अपने वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे मैं सिलिंड्रिकल या सैलिएंट किसी भी टाइप का अल्टरनेटर के रिस्पेक्ट में इसका मैं चर्चा कर सकता हूँ। पहले मैं डायरेक्ट लोड टेस्ट के बारे में बात करूंगा और फिर दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड में नॉर्मली हम जो अभी तक ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़े हैं और इन्हीं के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम डेवलप करते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड में हम लेबोरेटरी में टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के बारे में अगर समझें तो डायरेक्ट लोड टेस्ट हम परफॉर्म करने के लिए एक स्मॉल रेटिंग का अल्टरनेटर यूज कर सकते हैं। लेट से 5 kV एम्पीयर का अल्टरनेटर हमने लिया और हम अपने अल्टरनेटर को रेटेड सप्लाई देंगे और जिसमें मेरा पर्पस होगा कि वो अपने सिंक्रोनस स्पीड यानी रेटेड स्पीड पे रोटेट हो। रोटेट कराने के लिए मैं प्राइम मूवर लगाऊंगा। प्राइम मूवर में मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। लेबोरेटरी में करना है तो मैं इंडक्शन या फिर डीसी मोटर लगा सकता हूँ। खास करके मैं टर्मिनल वोल्टेज को इस तरीके से एडजस्ट करूंगा ताकि जो भी रेटेड वोल्टेज है जो मुझे चाहिए मेरे अल्टरनेटर का वो मुझे मिले। तो प्राइम मूवर को मैं उसी हिसाब से एडजस्ट करूंगा ताकि मुझे रेटेड वोल्टेज मिलने लगे। साथ में बच्चों, जो मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं, वोल्टमीटर एमीटर, इन वोल्टमीटर एमीटर की मदद से मैं रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज और वाटमीटर के हिसाब से यानी पावर फैक्टर मेजरमेंट भी मैं चाहूँ तो पावर फैक्टर मीटर लगा के पावर फैक्टर भी रेटेड मुझे चाहिए। इस रीडिंग को लेने के बाद बच्चों, मैं सडनली क्या करूंगा, लोड को रिमूव करूंगा। जैसे ही मैं लोड को रिमूव करूंगा मुझे नो लोड वोल्टेज मिलना स्टार्ट होगा। मैंने पहले रेटेड लोड पे मैंने वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। अब मैं लोड को थ्रोन ऑफ करूंगा, नो लोड वोल्टेज में निकालूंगा और जैसे नो लोड और लोड और टर्मिनल वोल्टेज मिला, मैं आसानी से सिंपल सा मैथमेटिकल एनालिसिस करके ई नोट माइनस वी अपॉन वी मैं वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कर लूंगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम डायरेक्ट लेबोरेटरी में मशीन को परफॉर्म करते ऑपरेट करते हैं और लोड लगा के टर्मिनल वोल्टेज और लोड को हटा के नो लोड वोल्टेज को रिकॉर्ड करते हैं। ये इफेक्टिव है, लेकिन ये स्मॉल रेटिंग के मशीन के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। बहुत लार्ज रेटिंग के मशीन में इसका इन्वेस्टमेंट और जो कॉस्ट है और भी पैरामीटर्स हैं उसके वजह से ज्यादा फिजिबल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये कैलकुलेट करने के लिए बच्चों पहले मुझे अपने जनरेटर को डेवलप करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि जनरेटर डेवलप नहीं करें तो हम इनडायरेक्ट मेथड को प्रीफर करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड्स में हम अपने लार्ज साइज के अल्टरनेटर्स के लिए हम आसानी से वोल्टेज रेगुलेशन डेवलप कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास 3 बेसिक मेथड्स हैं। वैसे आज के टाइम में हम 4 यूज करते हैं, लेकिन हम 3 जनरली बुक्स में मेंशन है इसलिए 3 की ही बात करते हैं। सबसे पहला कहलाता है सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड, जिसको हम ईएमएफ मेथड के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड। सिंक्रोनस इंपीडेंस और ईएमएफ मेथड में हम क्या कैलकुलेट करेंगे आगे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, जिसमें हम एक्साइटेशन, फील्ड करंट और फील्ड एमएमएफ को ध्यान में रखते हुए एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पीयर टर्न मेथड और एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स मेथड। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को ध्यान में रखे किया, एक मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान में रखे किया। क्यों किया बच्चों? क्योंकि एक जो मेथड है सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड, इसमें एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन से ज्यादा मुझे रेगुलेशन मिलता है। जो एमएमएफ मेथड है उसमें एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन से कम रेगुलेशन मिलता है, इसलिए तीसरा मेथड हमने इजाद किया, दैट इज कॉल्ड जीरो पावर फैक्टर मेथड और ओटीआर मेथड। जीरो पावर फैक्टर मेथड में हम प्योर इंडक्टिव लोड लगाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वी परफॉर्म इट। ओटीआर ट्रायंगल बनाते हैं, ओटीआर ट्रायंगल बना के हम आसानी से हम वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। आज के टाइम में हम इनके साथ साथ एएसए मेथड भी यूज करते हैं। आइए एक एक करके हम इन सभी के बारे में अगले वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।